बहुत बड़ा है। मैंने जब इसको पास से आके देखो बहुत बड़ा है। और गैस ऊपर देखो ओम का झंडा भी लगा हुआ है। और गैस देखो यहाँ पे हम लोगों का शेर भी है, वहाँ पे भी एक शेर है गैस। और तो और गैस यहाँ पे कई मंदिर बने हुए हैं, मतलब गैस देखो वहाँ पे भी ओम लिखा हुआ है। और हम लोग भी इस मंदिर में जाएंगे। ये देखो कितना बड़ा मंदिर है। तो काफी भीड़ है यार यहाँ तो। गाइस देखो सोनी की गाइस देखो सोनी की नंदी भी यहाँ पे है। चलो गाइस पास जाके देखते हैं। ये देखो गाइस ये देखो गाइस कितनी अच्छी अच्छी लाइटिंग्स है। देखो कितना अच्छा दरवाजा है। तो यहाँ पे भी एक मंदिर है, कितने अच्छे अच्छे मंदिर है गाइस। देखो कितना बड़ा पीपल का पेड़ है, शायद बरगद का होगा। हाँ बरगद का गाइस। ये देखो गाइस कितने बड़े बड़े मंदिर है, कितना बड़ा मंदिर है गाइस। देखो वहाँ पे हमारे डॉगी मनाज भी हैं। तो यहाँ पे एक नकली स्वान भी है, एक डक है और एक स्वान है गाइस। देखो कितना अच्छा लग रहा है। और गाइस देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बड़ा है। ये यहाँ पे लाइट की भी गलती है। ये देखो कितना अच्छा है, बस भी दौड़ी है लेकिन आप उसकी हरकतें जानती है। गाइस कितना अच्छा मंदिर है, मेरी तो नजर ही नहीं आता है। यहाँ पे भी एक पीपल का पेड़ है गाइस। यहाँ पे गाइस कई सारे अशोक के पेड़ हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन भी है गाइस। देखो गाइस गाइस वो देखो वहां पे एक डोरेमोन भी है। गाइस देखो यहाँ चढ़ो और पॉज भी रखे हुए हैं। और यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा गुम्बद वाला मंदिर है गाइस। मैंने ब्लू लाइट मोड कही है, मतलब ब्लू लाइट मोड क्या आप कैसा लग रहा है बताइएगा, फिर मैं रंग बिरंगे मोड से करूँगा। ये देखो गाइस कितनी वो लगे हुए हैं इनके। गाइस देखो कितने गुम्बद लगे हुए हैं मंदिरों पे गाइस। सारे मंदिर तो बंद हो रहे हैं। देखो गाइस अब चप्पल निकाल के चलेंगे अंदर। गाइस हम लोग चलते हैं अंदर मंदिर में और हम लोग आपको दिखाएंगे कि मंदिर अंदर से कैसा है। चलो गाइस हम लोग चलते हैं अंदर। और गाइस हम लोग आ चुके हैं अंदर। हाँ पापा अंदर फोन अलाउड नहीं था तो हम लोग दर्शन करके आ गए, लेकिन हम लोग फोन से नहीं दिखा नहीं पाए। देखो गाइस सामने भगवान जी भी हैं। हेलो गाइस गुड इवनिंग। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है चारों तरफ। ये यहाँ पर तालाब का दृश्य है, चारों तरफ लाइटिंग है, बोट फ्लोट कर रही हैं, काफ़ी लोग उसमें सवार हैं, लेकिन थोड़ा डेंजरस है क्योंकि रात का टाइम है। चलिए और बहुत ही सुंदर है ये नज़ारा, आपको और भी दिखाते हैं मंदिर की चीज़ें। बहुत सुंदर है मंदिर भी। ये भी कोई मंदिर का हवन वगैरह का वो है, ये मंदिर का टाइम और जो अलग अलग सेक्शन हैं, लेकिन कुल मिलाकर बहुत अच्छा नज़ारा है अंदर का, बहुत ही सुंदर नज़ारा मंदिर।
एकदम दूधली बेला में नहाया हुआ लग रहा है, मानो ऊपर से अमृत बरस रहा हो। अपना फोन ले लिया और लाइटें लगी हुई हैं, सुंदरता भरपूर है। मैं सच कह रही हूँ दोस्तों, आप लोग आइए, दिन में, रात में, शाम में, सुबह में एक बार दर्शन जरूर करिए, आपको सच्ची में बहुत बहुत खूबसूरती नज़र आएगी, बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ आकर मन में एक अलग ही एहसास होगा, गर्व होगा खुद पर कि हम सनातनी हैं और हमारे मन में ईश्वर के प्रति जो भाव हैं वो इसी तरीके के तीर्थ स्थलों पर, इसी तरीके के मंदिरों में परिलक्षित होते हैं। सच्ची में, सच माने दोस्तों, तो मन जाने का बिल्कुल नहीं हो रहा, यहाँ से लग रहा है यहीं पर बैठ जाए और घंटे दो घंटे ईश्वर में लीन हो जाए। बहुत सुंदरता है। मैं अपने प्रांत के मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्यनाथ जी को धन्यवाद दूंगी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरती दी है इस मंदिर को, चार चांद लगवा दिए हैं, क्योंकि 2017 में भी मैं यहाँ पर आई थी, तब इतनी सुंदरता नहीं थी, इतनी भव्यता नहीं थी, लेकिन उन्होंने सचमुच में अद्वितीय कृत्य किया है, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा होनी ही चाहिए। बहुत सुंदर प्रांगण बना दिया है उन्होंने, इस प्रांगण की सुंदरता देखते ही बन रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए बीच में रेडिश वो है शेड आ रहा है, फिर ग्रीन आ रहा है, फिर वाइट आ रहा है, रियली क्या बात है। सुबह के वक्त यदि भोर में यहाँ पर जो लोग रहते होंगे, सच्ची में बहुत खुश नसीब हैं वो लोग जो यहाँ की भव्यता को अपनी स्वयं की आँखों से भोर की बेला में देख पाते होंगे, सच्ची में भाग्यशाली हैं। उनको सच सच प्रणाम। इस मंदिर की एक एक मूर्ति, एक एक प्रतिमा, एक एक भव्यता को सच सच प्रणाम। बहुत सुंदर है। देखिए सामने बहुत बड़ा एक घंटा लगा हुआ है, संभवतः इस घंटा के पीछे भी कोई ना कोई इतिहास है, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर आपको जानकारी दूंगी। लेकिन फ़िलहाल तो आपको इस मंदिर के दर्शन कराती हूँ। देखिए कितना सुंदर है ये मंदिर, कितनी सुंदरता है, वाव क्या बात है हमारे देश की शिल्प कला की। एक एक कंगूरा ऐसे नक्काशी भरा है, इतनी सुंदरता, ओ माय गॉड क्या बात है, अद्वितीय, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दोस्तों सोचिए, मन में से इतने खूबसूरत विचार किसी चीज को देखकर तभी आ पाते हैं जब सामने चीज अद्वितीय हो। देखिए कितना सुंदरता है, कितना सुंदरता है, बहुत सुंदरता है। दोस्तों मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, इतना अच्छा लग रहा है। और मेरा मोबाइल गिर गया, इसमें रख रही थी, गिर उधर गया। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी बीच में कहीं खो जाओ तो ऐसे हादसे हो जाते हैं कि मोबाइल गिर जाता है। बैग में रख रही थी लेकिन नहीं रख पाई, डिसबैलेंस हुआ, गिर गया। खैर छोड़िए उस बात को। देखिए ये भी एक मंदिर का गेट है, शिल्प कला रियली बहुत सुंदरता है। देखिए दोस्तों ऊपर मंदिर पर आपको पताकाएं दिख रही होंगी, आपको चारों तरफ देखिए और दिखाती हूँ, इधर पूरा नज़ारा दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों अब मैं 90 एंगल में पूरा एक राउंड ले रही हूँ, जिसको आप देखेंगे, बहुत सुंदरता है,
वाह क्या बात है, बहुत प्यारा दृश्य, बहुत अलौकिक दिव्यता, बहुत सुंदर। मेरा शत शत प्रणाम है। मैं बहुत खुश हूँ, खुश नसीब हूँ कि अपनी स्वयं की आँखों से इस मंदिर के दीदार करने का मुझे आज मौका मिला है और ये वीडियो आपके लिए बनाने का मुझे मौका मिला, आप तक पहुँचाने का मौका मिला। मैं इस चीज़ की सूत्रधार बनकर बहुत खुश हूँ। दोस्तों, परमपिता परमेश्वर का आज मुझे आशीर्वाद मिला, शायद इसी वजह से मैं इस वीडियो को बना पाई हूँ आपके लिए, आपकी सौगात। चलिए अब वीडियो को समाप्त करती हूँ, काफ़ी लंबा हो चुका है वीडियो और रात भी हो गई है। तो दोस्तों, मैं फिर अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सेंट्रल वाले मंदिर पे ले जाकर इस वीडियो का समापन करती हूँ। आप भी ज़रूर आइए, अगर गोरखपुर से मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप यहाँ का दर्शन करने ज़रूर आइए। यदि आप बाहर हैं और बाहर से मुझे सुन रहे हैं, तो कभी भी अपने छुट्टियों का डेस्टिनेशन इस शहर को बनाइए और यहाँ के दर्शन ज़रूर कीजिए, आपको रियली बहुत सुंदर लगेगा। मैंने तो इसका एक छोटा सा इंट्रो आपको दिया है, लेकिन इसका पूर्ण परिचय आपको स्वयं आकर लेना होगा। चलिए अपने ईश्वर को बंद करते हैं, समाप्त करती हूँ। जय श्री कृष्णा।